हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो आज का व्लॉग मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया है। और आज हम गांव में गए थे, तो आज काम में थोड़े से लेट हो गए हैं। अभी सानी डाल दी है भैंसों को और गोबर उठा दिया है, तो अभी मैंने मेरा अंदर का काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाएंगे। अभी सर्दियों में थोड़ी सी जल्दी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं, ठंड हो जाती है। और अभी आज मैंने फूल झाड़ू से ही झाड़ू लगाई आंगन में। वो दूसरी झाड़ू होती है, उससे धूल बहुत ज़्यादा उठती है, तो इसलिए मैंने धीरे धीरे इसी झाड़ू से झाड़ू लगा दी है। और अभी आंगन फूट गया है, तो इसलिए थोड़ा सा रेत ज़्यादा हो गया है, तो इससे रेत सारा इकट्ठा हो जाता है अच्छी तरह से। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी है, और अभी ये कूड़ा और उठा लेते हैं। और अभी मैं सबसे पहले चून मिला देती हूँ भैंसों को, क्योंकि सानी तो 3 बजे डाली थी, तो अभी 1 घंटा हो गया है। तो अभी चाट हम ऐसे ही ऊपर डालकर छोड़ देते हैं, मिलाते नहीं हैं, तो चाट खाने के बाद फिर चून मिला देते हैं। तो अभी मैं चून मिलाकर छोड़ दूँगी और सब्ज़ी बनाएंगे, तब तक ये सानी खा लेंगे, उसके बाद पानी पिलाकर एक तरफ बांध देंगे। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही काम करते हैं हम, इससे काम करने में भी आसानी हो जाती है। एक बार चाट डाल देते हैं और उसके बाद दोबारा से चून मिला देते हैं, आर्या होता है तो आर्या डाल देते हैं। और अभी चून मिला दिया है, तो चलिए अभी मैं ये चाय के बर्तन साफ़ करूँगी। और चाट भी नहीं चढ़ाई, आज थोड़े से लेट हो गई है ना काम में। और आज मैं चली गई थी गांव में, तो लस्सी की डेगची आज रखी है, नहीं तो सुबह ही मैं भैंस को पिला देती हूँ और थोड़ी सी डैनी को पिला देती हूँ। आज डैनी को भी नहीं पिलाई, तो ये लस्सी अभी मैं चाट में डालकर छोड़ देती हूँ। शाम को लस्सी नहीं पिलाते हैं हम, हमारी भैंसों को सुबह पिलाते हैं। अभी चाट में डाल दी है और ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं चाय के, और ये लस्सी की डेगची भी, इसी में दूध गर्म करूँगी मैं शाम को। थोड़ा सा दूध होता है एक टाइम सुबह सुबह, तो जो बचता है वो मैं शाम को इसी डेगची में गर्म कर लेती हूँ और फिर इसी में दही जमा देती हूँ। तो चलिए अभी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, बस ये थोड़े से चाय के बर्तन हैं, और दोपहर को बच्चों ने स्कूल से आने के बाद रोटी खाई थी, तो थोड़े वो बर्तन हैं। तो अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अभी ये कढ़ाई और साफ़ कर लेती हूँ। कढ़ाई तो साफ़ है, बस थोड़ी सी धो लेते हैं, क्योंकि रसोई कच्ची है ना, तो रेत बहुत ज़्यादा होता है हमारे रसोई में, इसीलिए बर्तन धोकर रखते हैं तो भी गंदे हो जाते हैं रखे रखे। और वैसे भी सब्ज़ी बनाने से पहले एक बार तो बर्तन धोना ही चाहिए। और आज मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। चूल्हे में आग जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और बाकी की सब्ज़ी की तैयारी मैंने कर ली है। आलू और गोभी काट कर इस बाल्टी में डालकर छोड़ दिए हैं, और ये 2 प्याज काट ली हैं। आजकल प्याज जल जली बहुत ज़्यादा होती हैं, आँखों में जलन होने लगती है। तो अभी कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, और इसमें मैंने 1 कड़छी तेल डाल दिया है। अभी तेल गर्म होता है, तब तक ये मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लहसुन और अदरक सिलबट्टे पर पीस लिया था, और अभी इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अभी तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा चटकने के बाद ये 2 प्याज डाल दी हैं। आज तैयारी तो सारी पहले करके रख ली थी मैंने, और ये प्याज थोड़ी सी भुन गई हैं, तो अभी मैंने 2-3 हरी मिर्च काट ली थी, वो भी डाल दी हैं अभी इसमें। और अभी प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अभी प्याज हमारी भुन गई है, तो अभी इसमें मैंने ये 2 टमाटर डाल दिए हैं। आज टमाटर मैंने मिक्सी में नहीं पीसे हैं, ऐसे ही काट लिए हैं बस। तो अभी टमाटर को 4-5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। तो अभी टमाटर हमारे पक गए हैं, ये देखिए, बस अभी इन्हें थोड़े से
कड़छी से अच्छी तरह से मैश कर देती हूँ मैं। अभी टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये देखिए हो गए हैं लगभग प्याज और टमाटर मिक्स। और अभी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ, मसाले पहले ही तैयार करके रख लिए थे। मसाले डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके मसालों को और पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए। तो अभी मैं कढ़ाई को ढककर छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, कढ़ाई में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो अभी मसाले मेरे पक गए हैं अच्छी तरह से, और अभी इसमें आलू और गोभी डाल देते हैं। अभी सब्जी मैंने डाल दी है, और अभी सब्जी और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे, बाद में पानी डालेंगे। और अभी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूंगी। और आज मैं सब्जी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि हम बाजरे की रोटी बनाने वाले हैं शाम को। अभी तो हमारे यहाँ लगभग शाम को बाजरे की रोटी बनती है, और सुबह गेहूँ की बनाते हैं हम, तो इसीलिए मैंने सब्जी में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और चूल्हे पर कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं वैसे भी सब्जी में। तो अभी पानी डाल दिया है, और अभी नमक और डाल देती हूँ मैं। नमक मैं ऐसे ही हाथ से डालती हूँ, चम्मच से मुझे अंदाज़ा नहीं आता है। और वैसे भी हम नमक थोड़ा सा कम खाते हैं, तो मैं नमक थोड़ा सा कम डालती हूँ सब्जी में। अभी नमक मैंने डाल दिया है, और अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट में सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी सब्जी मैंने छूक दी है, और ये देखिए अंधेरा सा हो गया है। अभी अंधेरा होते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठंड के मौसम में बड़ी जल्दी दिन छिप जाता है। और ये देखिए ये शहतूत सुबह छान गया था, इस टाइम पर पेड़ छानते हैं हमारे यहाँ, नए पत्ते आते हैं। तो ये लकड़ियाँ सुबह एक तरफ लगाएंगे, आज तो गए थे गांव में तो आज टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। तो अभी सब्जी को हमारी को 15-20 मिनट हो गए हैं रखे हुए, तो सब्जी को चेक कर लेते हैं बनी है या नहीं बनी है। और आज पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, तो ये देखिए सब्जी सूखी नहीं है, पानी की बनाई है आज मैंने। तो आलू हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी मैं सब्जी को उतार देती हूँ नीचे, और चूल्हे पर रख देती हूँ दूध। दूध गर्म होने के बाद रोटियाँ बनाएंगे। आटा मुझे गूँथना नहीं है, क्योंकि बाजरे की रोटी हम साथ साथ गूँथते हैं। तो चलिए अभी आप सबसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो अभी बजे हैं 7:30, और काम मेरा सारा हो गया है, खाना खा लिया है और बर्तन भी साफ कर दिए हैं। तो अभी सोने की तैयारी है, बस एक दो सामान है बाहर, वो और उठाकर रखेंगे, क्योंकि अभी ठंड होने लगी है तो सारा सामान उठाकर अंदर रखना पड़ता है। और थोड़ी थोड़ी ओस भी पड़ती है, क्योंकि हम खेत में रहते हैं ना, तो थोड़ी सी जल्दी ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और तार पर 2-3 कपड़े हैं, वो भी उतार कर लेकर आऊंगी मैं अभी। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे मिलते हैं कल। आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।